वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर देन वेलकम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी धीरे धीरे लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, लोगों ने बाहर जाना भी शुरू कर दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फैशन वीडियो बनाई जाए वापस से, क्योंकि पहले तो घर बैठे होते थे तो मुझे होता था कि क्या ही फैशन वीडियो बनाऊँ यार। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में कुछ ऐसे कैजुअल आउटफिट्स बताने वाली हूँ जो मैं अभी अपनी डेली रूटीन में पिछले कुछ टाइम में पहन चुकी हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ में तो फोटोज भी डाली हैं। एंड या मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो पीसेज यूज करने की कोशिश करूंगी जो सबके वार्डरोब में होता ही है, लाइक ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स, बेसिक टी शर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हर चीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं। एंड या विदाउट एनी फर्दर अडियू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो मैंने वीडियो को बहुत ही बेसिक पीसेस से शुरू करा है, जैसे कि एक बेसिक ब्लू जीन्स जो सबके पास होती है, देन एक ब्लैक बेसिक टॉप, साथ में फुटवेयर में मैंने बेसिक बेज कलर के फुटवेयर चूज किए क्योंकि बेज हर एक कलर के साथ जाता ही है। एंड देन बैग मैंने एक वही बेसिक ब्लैक बैग लिया है विद गोल्डन टच, इसीलिए मैंने साथ में जो है गोल्डन कलर की ही ज्वेलरी पहनी है ताकि बैग और ज्वेलरी जो है साथ में मैच करे। एंड देन मैंने साथ में एक बेसिक सैटन स्क्रंची लिया है। एंड ओ आई फॉरगॉट टू मेंशन, मैंने साथ में गोल्डन कलर का हेयर क्लिप भी लगाया बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद हेयर क्लिप्स। एंड दिस इज हाउ द होल आउटफिट हैज टर्नड आउट, लाइक बहुत बेसिक है बट लुक वेरी एफर्टलेस। सेकेंड आउटफिट फर्स्ट वाले का ये एक मोल्डेड वर्जन है जहाँ पे मैंने एक बेसिक ब्लैक पैंट्स लिए हैं, उसको मैंने उसी ब्लैक टी शर्ट के साथ पेयर किया है। दिस इज गोना बी अ होल ब्लैक आउटफिट, साथ में मैंने शूज पहने हैं। एंड पूरा आउटफिट बहुत ही सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने साथ में एक बेल्ट ऐड कर दी फैंसी वाली, एंड देन एक बैग लिया अपने शूज से मैचिंग। शूज एंड बैग मैचिंग इसीलिए लिए ताकि आउटफिट पूरा सिंक में लगे। एंड गोल्डन ज्वेलरी, गोल्डन बेल्ट एंड बैग का गोल्डन स्ट्रैप इज ऑल्सो मैचिंग, एंड पूरा ब्लैक आउटफिट है। दिस आउटफिट इज गिविंग मी दैट ब्लैक ब्यूटी वाली वाइब। एंड या और रुको रुको, अगर आपके पास ब्लैक पैंट्स नहीं है तो दिल छोटा नहीं करना, ब्लैक बेसिक जीन्स तो होगी ना, बस उसको उससे रिप्लेस कर दो एंड वही सेम वाइब देगा। फुल ब्लैक आउटफिट लुक सो फैंसी, पिंक एंड गोल्डन लुक सो गुड, एंड या आई जस्ट लव दिस आउटफिट। नेक्स्ट आउटफिट थोड़ा बच्चों वाला क्यूट वाला वाइब दे रहा है। यहाँ पर मैंने एक स्कर्ट लिया है जिसके ऊपर पूरा आउल प्रिंट है, साथ में मैंने बेसिक वाइट टी शर्ट को पेयर किया जो पता नहीं क्यों लाइटिंग में ऐसा चमचमा रही है। एंड साथ में मैंने बेसिक वाइट शूज़ लिए हैं, वेरी बेसिक, एंड देन क्लिप्स के बिना तो मेरा आउटफिट कम्प्लीट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने ऑमलेट वाले क्लिप्स लिए हैं। आई नो साउंड्स क्रेजी बट एनीवेज, एंड साथ में मैंने एक बच्चों जैसा ही एक स्माइली वाला बैग लिया है। एंड या दिस इज़ हाउ द होल आउटफिट हैज टर्नड आउट, थोड़ा किडिश क्यूट वाइब दे रहा है बट आई जस्ट लव द आउटफिट, बहुत ही एफर्टलेस एंड बहुत ज़्यादा यू नो कम्फर्टेबल है। दिस स्कर्ट इज सो कम्फी, परफेक्ट फॉर अ पिकनिक और अ डे आउट। मैं तो इस स्कर्ट को पहन के घूमती लहराती ही रह जाती हूँ। एंड या नेक्स्ट आउटफिट इज सो शिक एंड मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं सेपरेट शॉर्ट्स लेना ही भूल गई। यहाँ पे मैंने एक बेसिक ब्लैक प्लेड स्कर्ट ली है, साथ में एक लैवेंडर टैंक टॉप लिया है, लैवेंडर ही बैग लिया है, एंड ये शूज़ लिए जिसके ऊपर शट अप लिखा है, एंड देन ऊपर एक ओवर कोट श्रक टाइप लिया है पूरा आउटफिट को कम्फर्टेबल बनाने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ द होल आउटफिट हैज टर्नड आउट, इतना शिक क्लासी लग रहा है बट बिल्कुल एफर्टलेस है, बहुत कम्फर्टेबल है। एक श्रक डालने से ना वो बहुत कम्फी लुक आ रहा है एंड एवरीथिंग गो सो वेल विद ईच अदर। I just love this outfit. Next outfit एक थोड़ा ethnic touch में है yet casual ही है। यहाँ पर मैंने एक basic black कुर्ता लिया and I just don't know मुझे कुर्ते के साथ ribbed jeans क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर again मैंने ribbed jeans ली है। and since मेरी ribbed jeans के ऊपर silver color से मैंने लिख रखा है, मतलब print है silver, इसलिए मैंने यहाँ पर silver footwear लिया है and bag भी वो लिया जिसकी silver strap है, lavender वाला bag, and the whole outfit looks so saint. Oh, मैंने साथ में silver jewelry भी पहनी है, मैं कैसे भूल सकती, एंड द होल आउटफिट लुक सो सिंक्ड एंड बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, एक डे आउट के लिए, मूवी के लिए, कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए तो परफेक्ट है ये। एंड या नेक्स्ट आउटफिट सेकेंड वाले आउटफिट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं, वही बेसिक ब्लैक जीन्स, बेल्ट, बैग, शूज सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मैंने ऊपर एक टैंक टॉप या फिर एक ब्लैक बेसिक टी शर्ट ली है एंड उसके ऊपर मैंने ये प्रिंटेड शर्ट पहनी है। आप कोई भी शर्ट पहन सकते हो, कोई चेक शर्ट है या कुछ भी, एंड दिस इज हाउ द होल आउटफिट हैज टर्नड आउट, बहुत एफर्टलेस है बट लुक्स सो फैंसी सो गुड। एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे आजकल ना शर्ट पहनने से ज़्यादा ऐसे बैग के ऊपर कैरी करना ज़्यादा स्टाइलिश
लगता है. जस्ट लुक एट दिस आउटफिट, इट्स सो सो एफर्टलेस. नेक्स्ट आउटफिट अगेन बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस है. मैंने यहाँ पे एक पाइनाफोर को पहना हुआ है, एंड अगर आपके पास पाइनाफोर नहीं है तो आप 8th आउटफिट पे स्किप कर सकते हो. वो इसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, बट पाइनाफोर प्लीज ले लो यार, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती है. एंड जस्ट लुक एट हाउ एफर्टलेस दिस आउटफिट इज लुकिंग. मैंने क्रॉप टॉप के ऊपर पाइनाफोर पहना, साथ में एक बेसिक शूज पहने हैं व्हाइट, एंड या आई एम गुड टू गो, लुक सो स्टाइलिश. बट कुछ भी नहीं किया, ये वाला जो आउटफिट है जो मैंने बोला उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है. यहाँ पर मैंने बेल बॉटम जीन्स पहनी है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज अ साइन फॉर यू कि बेल बॉटम जीन्स ले लो, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती है ब्लू बेसिक जीन्स के बजाय. एंड यहाँ पर मैंने साथ में एक बेसिक हील्स पहनी है, एक क्रॉक प्रिंट वाला सॉरी पैटर्न वाला बैग लिया है, एक बेसिक स्क्रंची जो डिट्टो सेम कलर की है मेरे टॉप से मैच कर रही है. एंड या अगेन बहुत एफर्टलेस है. बेल बॉटम जीन्स ना एकदम से आउटफिट को पूरा निखार देती है. मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे बेल बॉटम जीन्स का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, बट बेल बॉटम जीन्स इज नॉट अ ब्रांड. आई एम सो डम्ब. सो या गाइज, दैट इज अप फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करी हो. अगर आप इनमें से कोई भी आउटफिट पहनोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो भेजना मत भूलना. एंड या बाय, टेक केयर.